नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ रेडियस 5 मीटर ट्रांसलेटिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इन क्लॉकवाइज सेंस। इफ ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा हमें दे दिया 1, फर्स्ट पार्ट में ओमेगा 1 है, देन हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन व्हील, हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन व्हील। तो इसमें क्या आता है, आर ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर ओमेगा 5 × 1, तो यानी कि 10, और हमारे पास वी कितना है, आर ओमेगा सॉरी 5, आर ओमेगा इंटू क्या आ गया 5 × 1 यानी कि 5, और वेलोसिटी कितनी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें अगर देखें तो इधर क्या लगेगा आर ओमेगा और इधर क्या लगेगा वेलोसिटी, तो हमारे पास आर ओमेगा क्या है छोटा है वेलोसिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड बैकवर्ड फ्रिक्शन। अगर आर ओमेगा छोटा होता है बी से तो इसमें हमेशा क्या लगता है फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है और बैकवर्ड फ्रिक्शन लगता है। नेक्स्ट इधर सेकेंड पार्ट, अगर ओमेगा क्या दे दिया 3, ओमेगा इक्वल टू दे दिया 3, तो आर ओमेगा कितना हो जाएगा 5 × 3 तो 15, और वी कितना है हमारे पास 10, तो आर ओमेगा ग्रेटर देन वी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बैकवर्ड स्लिपिंग एंड फॉरवर्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो क्या लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा फ्रिक्शन लग गया, और ये मूव किधर करेगा बैकवर्ड में, तो दैट इज द आंसर।